नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आज है पार्ट 3, प्रश्न संख्या 21 से स्टार्ट करते हैं। पहले दो पार्ट पढ़ चुके हैं जिनमें हमने प्रश्न संख्या 1 से 10, 11 से 20 पढ़ लिए हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। एक प्रदीप्ति ट्यूब की ज्योति तीव्रता कितनी होती है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रदीप्ति ट्यूब की ज्योति तीव्रता का मान कितना होता है? 5 से 10 ल्यूमेन प्रति वॉट, 15 से 20 ल्यूमेन प्रति वॉट, 30 से 40 ल्यूमेन प्रति वॉट या 60 से 65 ल्यूमेन प्रति वॉट। तो प्रदीप्ति ट्यूब की ज्योति तीव्रता का मान आपको बताना है। तो प्रदीप्ति ट्यूब की ज्योति तीव्रता का मान होता है ऑप्शन डी, यानी कि 60 से 65 ल्यूमेन प्रति वॉट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 22, एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर किसके समान होता है? एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर का मान किसके बराबर होगा? क्या एक लक्स के बराबर होगा, एक कैंडिला के बराबर होगा, एक फिट कैंडिला के बराबर होगा या एक ल्यूमेन मीटर के बराबर होगा? तो एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर किसके समान होता है यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा कि एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर किसके समान होगा, ऑप्शन ए, यानी कि एक लक्स के समान होगा, एक लक्स के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पर एक प्रदीप्ति लैंप में झिलमिलाहटों की आवृत्ति कितनी होगी? तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई दी जा रही है, कोई प्रदीप्ति लैंप है, उसमें झिलमिलाहट हो रही है, उसकी आवृत्ति आपको बतानी है कितनी होगी। क्या 25 प्रति सेकंड होगी, 50 प्रति सेकंड होगी, 100 प्रति सेकंड होगी या 220 प्रति सेकंड होगी? चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 100 प्रति सेकंड। तो झिलमिलाहटों की आवृत्ति 100 होगी प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 100 झिलमिलाहट होगी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन पर आधारित है। ऑप्शन ए फोटोडायोड है, एलईडी है, फोटोवोल्टिक सेल है या ए और बी दोनों है। तो फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन पर आधारित कौन सा है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन पर कार्य प्रणाली पर आधारित होता है। नेक्स्ट चले प्रश्न संख्या 25, फोटोडायोड का उपयोग को पहचानने के लिए किया जाता है। तो फोटोडायोड का प्रयोग किस चीज़ को पहचानने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दृश्य प्रकाश को, ऑप्शन बी अदृश्य प्रकाश को, ऑप्शन सी कोई प्रकाश नहीं और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो बताइए फोटोडायोड का उपयोग किस चीज़ को पहचानने के लिए किया जाता है। तो फोटोडायोड का प्रयोग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी अर्थात दृश्य प्रकाश को और अदृश्य प्रकाश को दोनों को पहचानने के लिए फोटोडायोड का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, एलईडी द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग किस चीज पर निर्भर करता है? एलईडी के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। क्या फॉरवर्ड बायस पर डिपेंड करता है, क्या रिवर्स बायस पर निर्भर करता है, क्या फॉरवर्ड धारा पर निर्भर करता है या अर्धचालक की सामग्री पर निर्भर करता है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अर्धचालक सामग्री पर निर्भर करेगा एलईडी के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग। प्रश्न संख्या 27, अर्थ तार है से कम पतला नहीं होना चाहिए, कम से कम कितनी मोटाई इसकी होनी चाहिए ये बताना है कि इससे पतला तो नहीं होना चाहिए। तो अर्थिंग जो तार होता है उसको कितने से ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए आपको बताना है। 20 SWG तार, 16 SWG तार,
10 SWG तार या 8 SWG तार। चारों ऑप्शन आपके सामने, अर्थिंग तार की मोटाई कितनी होनी चाहिए कम से कम यह आपको बताने। तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 8 SWG। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ऑटोमोबाइल में हॉर्न से जो ध्वनि होती है इसका क्या कारण होता है, किस कारण से ये उत्पन्न होती है? क्या चुंबकीय विरूपण के कारण, या डायफ्राम कंपन के कारण, मूविंग कोयल के कारण, या दोलन कोयल के कारण? चार ऑप्शन आपके सामने। ऑटोमोबाइल में हॉर्न से ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी डायफ्राम कंपन के कारण ऑटोमोबाइल में हॉर्न से ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 29। एक स्थिर शक्ति प्रकार के भारों में आगे चार ऑप्शन देखिए, टॉर्क गति के समानुपाती होता है, या टॉर्क गति के वर्गानुपाती होता है, या टॉर्क गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या टॉर्क गति से स्वतंत्र होता है। तो टॉर्क और गति में रिलेशन बताना है कि क्या संबंध होता है स्थिर शक्ति प्रकार के भारों के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि टॉर्क गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा गति का मान कम होता जाएगा, और जैसे जैसे टॉर्क कम होगा गति का मान बढ़ता जाएगा, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है। अब आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने। एक प्रेरण मोटर का फ्रेम कितना किससे बना होता है? एक प्रेरण मोटर होती है, इसका जो फ्रेम होती है वो सामान्य किससे बनाया जाता है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सिलिकॉन स्टील से, ढलवा लोहे से, एल्यूमिनियम से, या तांबे से। तो बताइए प्रेरण मोटर का फ्रेम किस चीज़ का बना होता है? तो प्रेरण मोटर का फ्रेम जो बना होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ढलवा लोहे से। प्रेरण मोटर का जो फ्रेम होगा वो ढलवा लोहे से बना होगा। आज की क्लास के टॉप 10 इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।